भामाशाह फुलसिंह दाईमा की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। खटीक समाज ने किया भामाशाह को याद। नवलगढ़ के झाजर रोड स्थित श्री पीएस दाईमा बैंकेट हॉल में आज भामाशाह स्वर्गीय श्री फुलसिंह दाईमा का 14वां जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया गया। खटीक समाज नवलगढ़ के लोगों द्वारा श्री फुलसिंह दाईमा की मूर्ति पर माला पहनाकर पुष्प चढ़ाकर जन्मदिन मनाया। समारोह के मुख्य अतिथि पार्षद प्रतिनिधि राकेश कुमार दाईमा, विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय खटीक समाज के प्रदेश सचिव पीरामल दाईमा, पार्षद सुनील सांवरिया, मनोनीत पार्षद कन्हैयालाल चावला तथा अध्यक्षता अनुसूचित जाति जनजाति मुक्ति धाम के अध्यक्ष महावीर प्रसाद चावला ने की। मुख्य वक्ता प्रधानाचार्य शिक्षाविद कृष्ण कुमार दाईमा ने भामाशाह फुलसिंह दाईमा का जीवन परिचय बताते हुए कहा कि स्वर्गीय फुलसिंह जी सदैव गरीब जरूरतमंद की सहायता के लिए हर दम तैयार रहते हैं। उनका त्याग में जीवन हम सबको सदैव प्रेरणा देता रहेगा। श्री दाईमा जी की स्मृति में उनके पुत्र सुशील दाईमा, सुरेंद्र दाईमा के द्वारा दिल्ली में निःशुल्क अस्पताल, डिस्पेंसरी तथा नवलगढ़ में एक बड़ा वेंकट हॉल का निर्माण करवाकर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को सेवा प्रदान की है। आज उनके जन्मदिन पर युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्य अतिथि पार्षद राकेश दाईमा ने फूल सिंह दाईमा को अनुसूचित जाति में उनके योगदान के बारे में बताया। समाज के प्रदेश सचिव पीरामल दाईमा ने स्वर्गीय फूल सिंह दाईमा के द्वारा किए गए कर्तव्य के बारे में बताया। अध्यक्षता कर रहे महावीर प्रसाद चावला ने उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर श्री भगवान चावला, ओम प्रकाश चावला, फूलचंद चावला, भोलूजी चावला, सावरमल असवाल, विजय दाईमा, उकार सबलानिया, पार्षद रवि दाईमा सहित कई खटीक समाज के युवा शामिल हुए। कार्यक्रम का सफल संचालन वक्ता विजय दाईमा ने किया। स्वर्गीय श्री भामाशाह फूल सिंह जी दाईमा की 74वीं जन्म तिथि मनाई गई खटीक समाज नवलगढ़ के द्वारा, जिसमें समाज के प्रबुद्ध वर्गों ने उनके कृतित्व को याद किया गया। आदरणीय श्री फूल सिंह जी दाईमा के और उनके वंशज परिवार के द्वारा दिल्ली में 2 डिस्पेंसरियाँ निःशुल्क रूप से काम कर रही है, जहां अच्छे डॉक्टर्स वगैरह, नर्सेज और कंपाउंडरों के द्वारा समाज की सेवा की जा रही है। आदरणीय श्री फूल सिंह जी दाईमा के सुपुत्र श्री सुशील जी दाईमा और सुरेंद्र जी दाईमा के द्वारा उनकी माता जी श्रीमती तीजा देवी जी की प्रेरणा से यहाँ नवलगढ़ में भी जरूरतमंदों को शादी विवाह के लिए एक बैंकट हॉल का निर्माण करवाया गया। चारों तरफ 4 दीवारी, लेटरिन बाथरूम कमरे का निर्माण करवाया गया, जो जरूरतमंद के बहुत काम आता है। आज उनकी 74वीं जन्म तिथि फूल सिंह जी की जन्मदिवस उत्सव के रूप में आज खटीक समाज के द्वारा मनाया गया, जिसमें खूब सारे लोगों ने एकत्रित होकर उनके कार्यों को याद किया गया, उनको श्रद्धा सुमन भेंट की गई। आज हम यहाँ पीएस दाईमा जो बैंकर ढोल उनके पुत्रों द्वारा जो मनाया गया था स्वर्गीय श्री फूलचंद जी दाईमा की, हम 74वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ समाज के सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस 74वीं जन्मतिथि पर हम उनको सादर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि ऐसे भामाशाह के रूप में नवलगढ़ की धरा पर उन्होंने जो अपना नाम किया है, समाज को एक अच्छी धरोहर उन्होंने मना के समाज के सामने सुपुर्द की है। इसलिए पूरे परिवार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, साधुवाद देना चाहते हैं कि आगे भी वो ऐसी सोच रखते हुए इसमें कुछ ना कुछ सहयोग करते रहे। धन्यवाद।